हेलो साथियों, मैं सचिन चौधरी आपके अपने चैनल शशि एग्री एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशंस की ये जो बहुत अच्छी बुक है, इसके में क्या है, लेखपाल का जो पेपर चल रहा हमारा, इसका मैं सेट लेके आया हूं, ग्रामीण समाज एवं विकास का, बहुत ही अच्छी बुक है। चलिए, तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर क्या है, सेट फर्स्ट होगा ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन का। चलिए, तो हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। सभी गांवों में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में लेखपाल नियुक्त किए गए, ये आपको बताना है। तो ये हमारा कब, 1918 में इनको क्या है, नियुक्त किया गया था। देखिए, ब्रिटिश शासनकाल में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में सभी गांवों में क्या है, 1918 में लेखपालों की नियुक्ति हुई थी। चलिए, अब लोग हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसकी पटवारी, मान लो किसको पटवारी पटेल शान बोगरू व कारनाम अधिकारी भी कहा जाता है, तो हमारे किसको लेखपाल को कहा जाता है। देखिए, लेखपाल को पंजाब में क्या है, पंडिती माँ कहा जाता है, और गुजरात और महाराष्ट्र में पहले से कुलकर्णी कहते थे, लेकिन अब इसे तलारी कहते हैं, गुजरात और महाराष्ट्र में तलारी कहने लग गए हैं। जी बिल्कुल, लेखपाल को। भू राजस्व अधिनियम की धारा 33 में वर्णित वार्षिक रजिस्टर क्या है, तो हमारा क्या है, 33 में जो हमारा रजिस्टर है उसे हम लोग खतौनी बोलते हैं। क्या खतौनी, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। खतौनी के संबंध में सत्य है, इसे वार्षिक रजिस्टर भी कहते हैं, बिल्कुल सही। इसका वर्णन भू राजस्व अधिनियम में है, बिल्कुल सही है। इसमें क्या, ये इसके क्या 13 खाने होते हैं, और ये क्या अधिनियम, जो भू राजस्व का एक्ट की धारा 33 है, उसमें क्या वार्षिक रजिस्टर दिया गया है। ये ऑप्शन 4 सही होगा, प्रयुक्त सभी राइट होंगे। जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित राज्य स्त्री पार्क की स्थापना कहाँ की गई, ये हमारा क्या, लखनऊ में की गई। कहाँ पे, लखनऊ में। जी बिल्कुल, तो हमारा लखनऊ में की गई। उत्तर प्रदेश के किस शहर में गलवान घाटी के बलिदानों के लिए स्मारक का निर्माण किया गया, तो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में। कहाँ पर, प्रयागराज में किया गया। जी बिल्कुल, तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। जी, हाल ही में उत्तर प्रदेश में SC ST आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया, जो SC ST एक्ट है उसका आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया, ये पूरा क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा, तो हमारे रामबाबू हरित जी हैं, किनको, रामबाबू हरित जी को नियुक्त किया गया है। जी, जोतदार किस हैसियत से भूमि धारण कर रहे हैं, जोतदार होता है जो किस हैसियत से भूमि धारण करता है, ये क्या खतौनी होती है उसमें दिया होता है किस हैसियत से। जी, वार्षिक रजिस्टर कितने वर्षों में तैयार किया जाता है, जो हमारा वार्षिक रजिस्टर, यह 6 वर्षों में तैयार किया जाता है, इसी को हम लोग खतौनी कहते हैं। ठीक है, सीमा द्योतक चिन्ह किसके साथ नत्थी होते हैं, तो ये हमारे क्या है, खसरा के साथ नत्थी होते हैं। जी, सीमा द्योतक चिन्हों की सूची के संबंध में सत्य है, आपको ये बताना है, जो हमें सीमा द्योतक चिन्ह होते हैं उनके बारे में क्या सत्य है। ये सीमा द्योतक, इनमें सीमा चिन्हों का वर्णन होता है, बिल्कुल सही है। यह सीमा विवाद निपटान सहायक होता है, बिल्कुल सही। यह खसरा के साथ नत्थी होता है, बिल्कुल सही। उपरोक्त सभी ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट है। जी, दिनचर्या बही, जो दिनचर्या बही या डायरी कौन रखता है, जो दिनचर्या बही होती है ये हमारा लेखपाल रखता है। देखिए, लैंड रिकॉर्ड मैनुअल के पैरा 47 के अनुसार लेखपाल को अपना हल्का या क्षेत्र की एक डायरी या दिनचर्या बही बनानी होती है, वो उसके पास में होती है, लेखपाल के पास में। जी, उत्तर प्रदेश का पहला ब्लैक फंगस सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये हमारा कानपुर में बनाया जा रहा है। कहाँ पर, कानपुर में, ऑप्शन दूसरा बिल्कुल राइट। हाल ही में चर्चा में रहा अमरनाथ झूमर नाथ मंदिर उत्तर प्रदेश में किस शहर में है, तो ये हमारा क्या, ललितपुर में है। जी बिल्कुल, दिनचर्या बही के संबंध में सत्य कथन है, इसका वर्णन पैरा 47 से बिल्कुल राइट, मैंने भी बताया आपको। इसमें भी लेखपाल के प्रतिनिधि कारणों का वर्णन होता है, बिल्कुल सही है। 1 अगस्त से 31 जुलाई की अवधि के कारणों का वर्णन होता है। जी बिल्कुल, और चौथा बिल्कुल सही। जी जी, सभी राइट है। दिनचर्या बही के नियत आकार का नाम बताइए, ये हमारा क्या है, नियत आकार होता है, इसका प्रपत्र संख्या जो होता है पंजीकरण, दूसरा सही होता है। जी, 2 नंबर का होता है। जी, दिनचर्या में कुल पृष्ठ व अनुपूरक पृष्ठ होते हैं, आपको ये बताना, कुल पृष्ठ व अनुपूरक पृष्ठ कितने होते हैं, तो ये हमारा 60 पृष्ठ व 20 पृष्ठ होते हैं। जी बिल्कुल। जी,
जमींदारी के रजिस्टर को किस नाम से जाने जाता है? जैसे हम लोग खेवट कहते थे, प्राचीन काल में चलता था जब जमींदारी प्रथा होती थी। जी अभी बंद हो चुका है। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब लागू हुआ? तो हमारा 1950 में लागू हुआ हो गया था। जी देश का पहला वर्चुअल मॉल किस राज्य के द्वारा खोला जा रहा है? तो हमारा कहाँ, उत्तर प्रदेश में खोला जा रहा है। जी बिल्कुल, यूपी में हमारा खोला जा रहा है वर्चुअल मॉल। उत्तर प्रदेश विकास पेंशन योजना के लिए सरकार द्वारा बजट 2021-22 में कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो हमारा कौन सा, 3100 करोड़ रुपए। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल राइट है। जी इनको क्या 1000 रुपये प्रतिमा क्या पेंशन औरतों को मिलती। जी कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है? तो हमारा कौन सा, सोधर्म का एक पौधा होता है जिसके उगाने से क्या है, मृदा अपरदन बहुत तेज़ी से होता है, सोधर्म। जी सेंट्रल ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा कहाँ पर, झांसी में है। जी निम्न में से जीटी रोड कहाँ से नहीं गुजरती है? तो ये हमारी क्या है, अलीगढ़ से नहीं गुजरती है। जी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित प्रथम वन्यजीव विहार कौन सा है? ये हमारा चंद्रप्रभा है। कौन सा है जी, चंद्रप्रभा है। ओके फ्रेंड।